हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने सिंपल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस वीडियो बनाया था और आशा करता हूँ कि आपको उससे काफ़ी मदद मिली होगी। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे, इसके कहाँ इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किस प्रकार से इसे हम एकेडमी और कॉम्पिटेटिव दोनों ही एग्ज़ाम्स में यूज कर सकते हैं, और इससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से हम उसको टेकल करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले पैटर्न देख लिया जाए, इसका पैटर्न क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैटर्न पॉजिटिव पैटर्न होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव पैटर्न होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न होता हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव का प्रयोग जहाँ प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, वहीं हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ दिया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इज हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन यानी कि V3 द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ एन एंड्स इन ED जैसे फिनिश्ड है, डिसाइडेड है, बट मेनी इंपॉर्टेंट वर्ब्स आर इरेगुलर जैसे लॉस्ट डाउन रिटर्न, मतलब जिसके अंदर वर्ब में बदलाव करके हम V2 या V3 बनाते हैं उसे इरेगुलर कहा जाता है। और मैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पर भी वीडियो आपको बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं इसके यूजेज की तरफ। तो देखिए, यहाँ वो कह रहा है कि व्हेन वी से दैट समथिंग हैज हैपेंड दिस इज यूजुअली न्यू इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, जब हम कहते हैं कि कुछ घटित हुआ है तो ये आमतौर से नई घटना होती है, नई सूचना होती है। जैसे आपने यहाँ देखा कि आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली है। द रोड इज क्लोज, देयर हैज बिन एन एक्सीडेंट, देयर हैज बिन एन एक्सीडेंट यानी कि एक दुर्घटना हुई है, इसलिए रोड जो है क्लोज है, बंद है। फ्रॉम द न्यूज पुलिस हैव अरेस्टेड टू मैन इन कनेक्शन विथ रॉबरी, मतलब कि न्यूज से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने लूटने के आरोप में। यहाँ हम कह सकते हैं कि वेन वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट देर इज ए कनेक्शन विथ नाउ, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करते हैं तो अभी से यानी कि वर्तमान से संबंध होता है। जैसे द एक्शन इन द पास्ट हैज ए रिजल्ट नाउ, मतलब जो पास्ट में एक्शन हुआ उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, याद दिया हुआ कि वेयर इज योर की, आपसे कोई पूछता है कि वेयर इज योर की, आप जवाब देते हैं आई डोंट नो आई हैव लॉस्ट इट यानी मैंने इसे गंवा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, आई डोंट हैव इट नाउ यानी कि अभी वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसे गंवा दिया है। तो इसका अगर रिजल्ट देखें तो प्रेजेंट में क्या आ रहा है कि अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए यहाँ कहा गया है आई हैव लॉस्ट इट। तो एक्शन तो पास्ट में होता है लेकिन वर्तमान से यानी प्रेजेंट से अगर उसका संबंध होता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ही टोल्ड मी हिज नेम बट आई हैव फॉरगॉटन इट यानी कि उसने मुझे अपना नाम बताया था लेकिन मैं भूल गया हूँ, यानी कि अभी मुझे वो नाम याद नहीं है। यानी देखिए, यहाँ प्रेजेंट से रिलेट हो रहा है। तो अगर हम क्या करें कि अगर कोई पास्ट में कोई घटना होती है और उसका संबंध अगर प्रेजेंट से होता है तो आप निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर, यहाँ भी दिया हुआ है नोट द डिफरेंस बिटवीन गॉन एंड बीन। जैसे गो टू और यहाँ पर गॉन टू और बीन टू दिया हुआ है, तो कहाँ हम गॉन का प्रयोग करेंगे और कहाँ बीन का प्रयोग करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, जैसे आप अपने गाँव में हैं और आप कहते हैं कि आई हैव गॉन टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली गया हूँ, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। क्योंकि गॉन क्या दिखाता है, गॉन का जब आप प्रयोग करते हैं इसका मतलब होता है कि गॉन का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है कि नाउ और ऑन हिज वे देयर यानी अभी वो वहाँ है या रास्ते में है, चला गया है रास्ते में होगा या फिर वहाँ दिल्ली में है, अगर बात करते हैं गॉन का तो। लेकिन ये अगर आप बीन की बात करते हैं इसका मतलब है कि आप दिल्ली गए थे लेकिन अभी वापस आ गए हैं अपने गाँव में हैं, तो वहाँ बीन का प्रयोग आप करते हैं, वहाँ गो का प्रयोग या गॉन का प्रयोग नहीं होता है। अगर वहाँ पर आप हैं, चले गए हैं और वहाँ पर हैं, तो वहाँ इस उसके लिए क्या होता है कि गॉन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर किसी जगह से आप घूम करके आ गए हैं और अपने किसी खास जगह पर हैं आप, और आप बताना चाहते हैं किसी को कि मैं वहाँ गया हूँ, तो
तो उसके लिए क्या करते हैं हम बीन का प्रयोग करते हैं न कि गॉन का, इसको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ भी गलती स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए जेम्स इज ऑन हॉलीडे, जेम्स हॉलीडे पर है। अब हॉलीडे पर है तो इटली गया है, तो ही हैज़ गॉन टू इटली, यानी कि वो या तो रास्ते में या फिर वहाँ इटली पहुँच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे है कि जेन इज बैक होम नाउ, अब जेन घर आ गया है, सी हैज़ बिन आ गई है, सॉरी सी हैज़ बिन टू इटली, वो इटली गई थी, यानी कि सी हैज़ नाउ कम बैक, अब वो घर आ गई है, तो आ गई है, अब इटली में है नहीं, इसलिए क्या है कि आपने यहाँ बिन लगाया है और वो इटली में है जेम्स, इसलिए वहाँ क्या लगा है, लगाया गया है गॉन लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि यू कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विथ जस्ट ऑलरेडी एट, यानी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल जस्ट ऑलरेडी और एट YET की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर किसी ऐसे किसी अगर किसी सेंटेंस में जस्ट का ऑलरेडी का ये एट का प्रयोग किया गया है तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जस्ट का क्या मतलब होता है, शॉर्ट टाइम एगो, यानी कि थोड़ी देर पहले। जैसे आई यू हंग्री, नो आई हैव जस्ट हैड लंच, इनके अभी अभी मैंने नाश्ता किया इसलिए हंग्री नहीं हूँ, अभी वर्तमान में क्या है कि मेरा पेट भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए हेलो हैव यू जस्ट अराइव्ड, क्या तुम अभी भी आए हो, तो यानी कि कहने का अर्थ है जस्ट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम एगो, यानी कि थोड़ा देर पहले, और वर्तमान से संबंध दिखाता है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में इसका उपयोग हो सकता है। यहाँ देखिए वी यूज ऑलरेडी टू से डैट समथिंग हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी कोई चीज़ हमारे आशा से पहले हो गई, जितना आशा किए थे कि इतना समय पर होगा लेकिन उससे पहले हो गई, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डोंट फॉरगेट टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आई हैव ऑलरेडी पेड इट, यानी कि आप मतलब कि डोंट फॉरगेट टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपने कहा कि आई हैव ऑलरेडी पेड इट, कि मैंने पहले ही इसको जमा कर दिया है। व्हाट टाइम इज मार्क लिविंग, मार्क कब जा रहा है, तो ही ऑलरेडी लेफ्ट, वो तो पहले ही चला गया है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड टाइम से पहले, यहाँ है एट का मतलब होता है अंटिल, अब तक। इट शोज दैट द स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, यानी कि एक्सपेक्ट करता है स्पीकर कि कुछ होगा। यूज एट ओनली इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है आपको समझना चाहिए कि एट का प्रयोग केवल क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में, केवल क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है। ध्यान देना है इस चीज़ को कि एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में केवल क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है। जैसे यहाँ देखिए हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग एट, और यहाँ पर आई हैव रिटेन द ईमेल बट आई हैवंट सेंट इट येट, तो यहाँ येट का प्रयोग आप कब करेंगे, जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट की मुझे आशा है कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। यहाँ पर देखिएगा दिया है कि वेन वी टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम डेट कंटिन्यूज फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, यदि हम बात करते हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम की जो पास्ट से शुरू होकर अब तक है, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट हैव बीन जो भी है मैंने हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। हियर देव एंड जेन आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेज जेन हैज विजिटेड इन हर लाइफ विच इज ए पीरियड डेट कंटिन्यूज अप टिल नाउ, यहाँ देखिएगा यहाँ जेन बात कर रही है उस पीरियड की अपने समय की जो अब तक जारी है, जेन लाइफ ए पीरियड अनटिल नाउ मतलब अभी तक की बात वो कर रही है। जैसे देव पूछता है हैव यू ट्रेवल्ड अ लॉट जेन, क्या जेन तुमने बहुत यात्राएं की है, तो जेन कहती है यस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेज, मैं बहुत जगह गई हूँ। देव यानी कि वर्तमान में संबंध है, वो बता रही है ना कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, है ना, तो पास्ट में कोई काम हुआ लेकिन उसको रिलेट कर रही वर्तमान से यानी प्रेजेंट से। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए फिर कि देव कहता है रियली हैव यू एवर बीन टू चाइना, क्या आप कभी चाइना गई हैं, तो जेन कहती है यस आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस, मैं दो बार चाइना गए हूँ। तो देव पूछता है व्हाट अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में क्या ख्याल है, तो जेन कहती है नो आई हैवंट बीन टू इंडिया, मैं इंडिया नहीं गई हूँ। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि जो पास्ट में काम हुआ उसको प्रेजेंट में रिलेट किया जा रहा है, तो इसलिए क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर होगा, क्योंकि अभी भी वो पीरियड जो है उसके लाइफ का कंटिन्यू है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए बीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आसान हो गया, बीन का मतलब होता है विजिटेड, यानी कि मतलब कहीं पर कहीं से घूम करके आ जाना, है ना। जैसे आई हैव नेवर बीन टू चाइना, मैं कभी चाइना नहीं गया हूँ। हैव यू बीन देयर, क्या तुम वहाँ गए हो, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि बीन वहीं लगेगा जहाँ पर क्या है कि आप जा करके आ गए हैं, वहाँ पर है नहीं, ये ध्यान देना है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स और देख करके इसको आप समझ सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू द स्पीकर्स आर टॉकिंग अबाउट ए पीरियड डेट कंटिन्यू अंटिल नाउ, यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं,
इन एग्जांपल्स में भी एक स्पीकर जो बात करता है कि वो उस पीरियड के बारे में बात करता है जो अब भी मतलब कि कंटिन्यू है, अभी भी यानी प्रेजेंट में भी है। जैसे रिसेंटली इसमें लगाया हुआ है, इन द लास्ट फ्यू डेज है, सो फार है, सिंस ब्रेकफास्ट है, तो ऐसे कुछ है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे कुछ जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, पास्ट और अभी को दिखाते हैं, यानी पास्ट में तो ये हुए हैं लेकिन रिलेट करते हैं प्रेजेंट से भी, तो इसलिए इनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम ब्रेन रिसेंटली, सॉरी ब्रायन रिसेंटली, आपने हाल ही में ब्रायन से कुछ सुना है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि सुना है तो वो बताने के लिए बोल रहा है, तो आप तो सुने पास्ट में है और बताने जा रहे हैं प्रेजेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज, तो आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिले हैं तो अभी कुछ दिनों में, और कब कह रहे हैं तो ना अभी कह रहे हैं, यानी प्रेजेंट में कह रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं और भी एग्जाम्पल्स हैं, इसे देख करके आप समझ सकते हैं। इतना समझिए कि जो काम पास्ट में हुआ है और उसका संबंध प्रेजेंट से है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, याद दे रहा है स्टूडेंट्स कि इन द सेम वे वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विथ टुडे, दिस इवनिंग, दिस ईयर, इसी तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करते हैं टुडे, दिस इवनिंग और दिस ईयर इत्यादि जैसे शब्दों के साथ भी। व्हेन दीज पीरियड्स आर नॉट फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब ऐसे पीरियड जो हैं वो बोलने के वक्त ख़त्म नहीं हुए हैं, बोलने के वक्त ख़त्म हो गए हैं, तो वहाँ पर आप लगाते हैं पास सिंपल पास टेंस, लेकिन यहाँ पर बोलने के वक्त ख़त्म नहीं हुए हैं इसलिए इसके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। व्हेन दीज पीरियड्स आर नॉट फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे यहाँ पर है कि आई हैव ड्रंक 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी टुडे, मैं 4 कप कॉफ़ी पी चुका हूँ। जैसे कोई देता है जब चाय पीने के लिए तो आप क्या बोलेंगे, चाय कॉफ़ी पीने के लिए, तो आप बोले नहीं 4 कप की कॉफ़ी तो मैं अभी तक मैंने आज पी चुका हूँ, यानी कि 5वां पीने जा रहे हैं, चाहे किसी से बता रहे हैं, तो उसका संबंध क्या है, वो काम ख़त्म अभी नहीं हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ और पीने जा रहा है वो, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। और भी एग्जांपल्स है इसमें, आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर पास्ट यानी टुडे और आगे जो नाउ यानी कि उसके बाद जो आप काम करने जा रहे हैं तो प्रेजेंट को दिखा रहा है, इसलिए वो कंटिन्यू है, मतलब कि ख़त्म नहीं हुआ है, उसका संबंध जो है वो वर्तमान से भी है, काम भले पास्ट में हुआ हो लेकिन संबंध उसका वर्तमान से है। एक और इम्पोर्टेंट यह रूल है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप कि वी से इट इज़ द फर्स्ट टाइम या इट इज़ टाइम, ध्यान दीजिएगा समथिंग हैज हैपेंड, माने कुछ हुआ है पहली बार या यस इट इज़ द टाइम, या पहली दफ़ा है या यह वही समय है जब कुछ कोई चीज़ घटित हुई है। यहाँ भी देखिएगा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्राइवन ए कार, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, दिस इट इज़ द फर्स्ट टाइम ही हैज ड्राइवन ए कार, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट टाइम, चाहे इट इज़ अ टाइम, तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, है ना, सेकेंड टाइम हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंस के साथ भी क्या करते हैं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। तो आशा है स्टूडेंट्स कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दूसरे टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।